आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये सपना ना टूटने वाला है, पर आप हमें की स्ट्रांग गर्ल हो ना, आप रोगे नहीं ना। मैं नहीं चाहती कि मुझे देखे, मुझे इन जैसा होते हुए देखे, प्लीज ले जाइए इसे। मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती मम्मी। जूही आप जाओ बेबी, प्लीज आप जाओ। मम्मा मुझे खुद से दूर मत करो मम्मा। इसे ले जाइए प्लीज, इसे ले जाइए प्लीज, इसे ले जाइए प्लीज, चले जाओ जूही, चले जाओ, ले जाइए जूही, जाओ प्लीज जाओ।
फिक्र मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। आपने मेरे पति के लिए जो कुछ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन मैं भूल जाऊंगी, मैं बहुत जल्द भूल जाऊंगी, इन जैसी बन जाऊंगी। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। रोते नहीं, देखो मम्मी यहाँ पर है ना। मम्मी ने क्या कहा था? सपना कितना भी बुरा हो ठीक खत्म हो जाता है ना, कभी कभी सपने अच्छे होते हैं ना, वो तब भी टूट जाते हैं। ये सपना ना टूटने वाला है, पर आप हमें की स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, आप रोगे नहीं ना। मैं नहीं चाहती कि मुझे देखे, मुझे जैसा होते हुए देखे, प्लीज ले जाइए इसे। श्रद्धा, श्रद्धा तुम यहाँ? सारे घर में ढूंढ लिया तुम्हें, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कूदने वाली थी क्या? चेताली, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही थी और नीचे से भागकर ऊपर क्यों आई? आप लोग कौन है और आप लोगों को मेरा नाम कैसे पता और मुझे क्यों रखा है यहाँ पे? है? क्या? अरे तुम्ही ने तो अपना नाम बताया था हमें, तुम्हें याद नहीं है? तुम नीचे भाग रही थी डर के, गिर गई थी मेरे से टकराकर और मैं तुम्हें ऊपर ले आई। मैं भाग रही थी कब? देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है ऐसे कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे? प्लीज मुझे जाने दीजिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। श्रद्धा ये लॉकेट तुम्हारा है, छोड़ दो प्लीज मुझे। नहीं ये लॉकेट मेरा नहीं है, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। देखो मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम भूल गई हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारे घर का पता याद है? हाँ। अविनाश चलो हम श्रद्धा को घर छोड़ के आते हैं। जी भैया। चलो श्रद्धा। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी हुआ तो अजीब हुआ। भाभी आप इतनी टेंशन मत लो, ये आजकल के बच्चे बादाम नहीं खाते ना इसलिए भुलक्कड़ होते। दृष्टि डरने की कोई बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ।
डरो मत बेटा, वो सब चले गए। लेकिन हमें ये सब क्या था? मम्मा ने कहा ना डर मत, तो मत डर, मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। लेकिन सिर्फ एक ही मिनट बड़ी। तो क्या हुआ, बड़ी तो हूँ ना। अब मेरी बात सुन, चुप रहे, घर जाके बात करेंगे। सार्थक, बच्चियाँ ठीक तो है ना? मैंने सुना मेट्रो में बहुत बड़ा घातक हमला हुआ है। हाँ सार्थक, सब ठीक है। हम कैसे भी करके उन शैतानों से बचते बचाते भागे, वो सब मृतक थे लेकिन अब चले गए। लेकिन डर की बात ये है कि उन्होंने हमें देख लिया। मतलब ये सार्थक, मुझे लगता है कि वो औरत, वो दुष्ट औरत पिशाच, उसने हमारे पीछे टोली भेजी है। मुझे लगता है कि उसने हमें ढूंढ लिया है और इसीलिए सारे मृतक हमारे पीछे पीछे इस मेट्रो में घुस आए। तुम्हें कैसे पता? मैंने उस मृतक के हाथों में अपनी तस्वीर देखी थी सार्थक। लेकिन अभी कहीं नहीं दिख रहे, अगले स्टेशन में मिलते हैं, ठीक है? हाँ मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और सुनो, बच्चियों से कहना कि शांत रहे, मैं नहीं चाहता कि तुम तीनों किसी भी खतरे में पड़ो। हम आज तक अपनी बच्चियों को लेकर अलग अलग जगह छिपते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, और आगे भी उन्हें सुरक्षित रखेंगे। हम कुछ भी करके आज रात को ही मुंबई से अंबाड़ के लिए निकल जाएंगे। ये तो हमारी तरफ आ रहा है, क्या करूं? इस बंद मेट्रो से बाहर कैसे निकलूं? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। अंधेरे में ये लोग हिल नहीं सकते। दृष्टि, चलो जल्दी यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से। मना, उसके पैर पे पानी गिरा था, वो उसका पैर गायब हो गया। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।